क्या भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण आईपीएल बीच में ही रद्द होने वाली है? किसका कहना है ये, फैंस का, फ्रेंचाइजी का, खिलाड़ियों का या फिर बीसीसीआई का? क्या कारण है विदेशी खिलाड़ियों का बीच लीग से हटने का, जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट मंथन में, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं कि क्या कोरोना के कारण आईपीएल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर से इस समय पूरा देश जूझ रहा है। देश में इस समय रोजाना 3 लाख से ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन की कमी ने देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके कारण विश्व स्तर पर भारत की छवि धूमिल होती दिख रही है। ऐसे में आईपीएल को लेकर खबरों और अफवाहों का बाजार भी गर्म होने लगा है। आईपीएल का 14वां संस्करण 9 अप्रैल से शुरू हुआ था, हालांकि लीग की शुरुआत से ही इस पर कोरोना के चलते खतरा मंडरा ही रहा था। लीग शुरू होने से पहले कई विदेशी खिलाड़ियों ने आईपीएल में खेलने से मना कर दिया था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड, आरसीबी के बल्लेबाज जॉश फिलिप्स और सनराइजर हैदराबाद के ऑलराउंडर मिशेल मार्च के नाम शामिल थे। आईपीएल में अभी कुल 23 मैच ही खेले गए हैं, यानी देखा जाए तो अभी एक तिहाई लीग ही पूरी हुई है। लेकिन भारत में कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस को देखकर खिलाड़ियों के मन में एक डर का माहौल बनने लगा है, खास करके विदेशी खिलाड़ियों के। बायो बबल की थकान कह लीजिए या परिवार की चिंता, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कोरोना के इस माहौल में खिलाड़ियों पर एक मानसिक दबाव जरूर बना है। इसी के चलते अभी हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के स्टार खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल बीच में ही छोड़ने का फैसला किया है। रविवार को हैदराबाद के खिलाफ हुए मैच के बाद अश्विन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि उनका परिवार इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इस समय परिवार को उनकी ज़रूरत है, अगर स्थिति ठीक होती है तो जल्द ही वापसी करूंगा। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज एंड्रू टाई ने भी आईपीएल से हटने का फैसला किया। टाई ने सोमवार को दोहा के सेन रेडियो से कहा कि आईपीएल छोड़ने के कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण है पर्थ में भारत से लौटने वाले लोगों के होटलों में क्वारंटाइन के मामले बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि वहां की सरकार पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वालों की संख्या में कटौती करना चाहती है, इसलिए देश में प्रवेश ना मिले उससे पहले ही वे देश पहुंचना चाहते हैं। उसके बाद टाई ने यह भी कहा कि उनके और भी साथी हैं जो आईपीएल बीच में ही छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी एडम जंपा और केन रिचर्डसन, जो वर्तमान में आरसीबी टीम का हिस्सा हैं, उन्होंने भी आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया। आपको बता दें, इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन भी बायो बबल की थकान का हवाला देते हुए वापस इंग्लैंड जा चुके हैं। लीग से हटने वाले खिलाड़ियों से सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी फ्रेंचाइजी को हुआ है तो वह राजस्थान रॉयल्स ही हैं। उनके 2 खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक पहले ही चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो चुके हैं, जबकि टाई और लिविंगस्टोन के जाने से उनके पास अब विदेशी खिलाड़ियों को लेकर विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसी के कारण राजस्थान रॉयल्स ने मिडवे ट्रांसफर विंडो में सीएसके से रॉबिन उथप्पा और पंजाब से ईशान पोरेल को टीम में शामिल करने की मांग की है। इसके अलावा राजस्थान रॉयल ने बेन स्टोक के विकल्प के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रॉसी वेंडरसन को भी टीम में शामिल करने जा रही है। कोरोना के कारण वर्तमान स्थिति को देखकर और भी विदेशी खिलाड़ी लीग को बीच में छोड़कर अपने देश लौट सकते हैं, जिसमें स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। एकाएक खिलाड़ियों के लीग से हटने से
लीग के पूरा होने पर खतरा जरूर मंडराने लगा है, लेकिन BCCI ऑफिशियल ने साफ कहा है कि अभी की स्थिति में IPL पूरा होगा। अगर कुछ खिलाड़ी लीग से हटना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर दिल्ली में हालात खराब होते हैं तो इंदौर और हैदराबाद को विकल्प के तौर पर रखा गया है। जहां एक और खिलाड़ी कोरोना और बायो बबल के चलते लीग छोड़ रहे हैं, वहीं मुंबई इंडियन के तेज गेंदबाज नाथन कुल्टर नाइल का मानना है कि बायो बबल के माहौल में वे खुद को ज़्यादा सिक्योर मानते हैं। भारत में ऑक्सीजन की कमी और देश में ऐसी विषम परिस्थितियों में कोलकाता नाइट राइडर के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने PM केयर फंड में $50,000 का दान देकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसको लेकर पूरे देश से पैट कमिंस को बधाइयां मिल रही हैं। कमिंस ने आगे कहा कि IPL खेलने से लॉकडाउन में रह रहे लोगों को हर दिन कुछ घंटे का आनंद और राहत मिलती है, ऐसे में लीग को पूरा ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने भी क्रिप्टो रिलीफ फंड में 1 बिटकॉइन यानी लगभग 43 लाख रुपए दान किए। सोशल मीडिया पर भी कोरोना के इस माहौल में IPL कराने को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि IPL को रद्द कर देना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे समय में IPL लोगों की खुशी का जरिया है, इसे बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ हम आपको कुछ लोगों के ट्वीट्स दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कोरोना के बढ़ते केसेस को देखकर IPL रद्द हो जानी चाहिए या IPL का सीज़न पूरा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक छोटी सी अपील, संकट के समय में आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन ज़रूर से लगवाएं, क्योंकि हर इंसान किसी दूसरे का ना सोचकर सिर्फ खुद का और खुद के परिवार का ही सोच लेगा तो भी हम सब इस संकट की घड़ी से बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।